अपेक्स चाइल्ड केयर बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, बहुत अच्छी जगह पे है, हर चीज़ यहाँ का अच्छा लगा हमको। एक एक सेल तक ऑक्सीजन नहीं पहुँचने के कारण बच्चे अपंग हो जाते हैं आगे चल के, तो जितना देर सीजर आएगा उतना देर उनका ब्रेन डैमेज होगा, तो इसलिए इस सारी चीज़ों में बच्चों में टाइमिंग इम्पोर्टेंट है। हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं कि फले फूले और आगे बढ़े। कामना है कि दिन दुगुना रात चौगुना बढ़े और लोग यहाँ का आके इस संस्था का लाभ लें। यतीमों और मजबूरों की सेवा करेंगे सबसे अच्छा है। डॉक्टर साहब का तजर्बा भी बेहतरीन है, उनको जानते हैं, मुजफ्फरपुर बहुत दिन काम किए हुए, अच्छी सुविधा मिलेगा यहाँ लोगों के लिए, अच्छी बात है। जो ढाका में सुविधा नहीं मिलता था वो मिल रहा है। बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा डॉक्टर इकबाल हसन साहब को कि वो आए हैं ढाका में। तरह तरह की बीमारियाँ बच्चों में आम हैं, इसके लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर की काफ़ी ज़रूरत है। बच्चे का अच्छा ट्रीटमेंट यहाँ पर होगा और आए एक बार सेवा का मौका दें। और सारे लोग गरीब कमज़ोर असहाय जितने भी हैं सब लोग यहाँ आए और अपना अपना जो है ट्रीटमेंट यहाँ कराए। जब बच्चा जन्म लेता है तो मैक्सिमम बच्चों में कुछ रीजन से, ठीक है, जैसे ब्लड इनकैपेबिलिटी वगैरह हो गया, ठीक है, उस कारण से बच्चों में जॉन्डिस की शिकायत आ जाती है। जिस तरीके से बीमारियां दस्तक दे रहा है उसी तरीके से डॉक्टर्स भी अपने फील्ड में कदम से कदम मिला करके बीमारियों से लड़ने का पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं। और आज इसी क्रम में देखिए अपेक्स एंड प्राशर मुजफ्फरपुर के जाने माने डॉक्टर डॉक्टर इकबाल हुसैन ढाका में इनका अपेक्स चाइल्ड केयर का शुभारंभ हो रहा है, उद्घाटन हो रहा है। और ये चाइल्ड स्पेशलिस्ट यानी शिशु रोग विशेषज्ञ है और अनुभव प्राप्त डॉक्टर हैं। इससे पहले इन्होंने प्राशर मुजफ्फरपुर और अपेक्स मुजफ्फरपुर हॉस्पिटल में सेवा दे चुके हैं और इन्होंने ढाका की धरती को चुना। अब यहाँ से बच्चों में विशेष सुविधा के साथ यहाँ शुभारंभ कर रहे हैं अपेक्स चाइल्ड केयर ढाका में। अगर इनके क्लिनिक की बात की जाए तो ये हीरो एजेंसी के बिल्कुल ठीक अपोजिट साइड में इनका हॉस्पिटल है जो पचपकरी रोड ढाका में है। डॉक्टर इकबाल हुसैन हैं, लंबा अनुभव लेकर के ढाका की धरती पर आए हैं, बच्चों में बीमारियों को दूर करना चाहते हैं। फिर से बता दें कि सबसे ज़्यादा अगर कोई बीमार पड़ता है तो बच्चा बीमार पड़ता है और बच्चों में बेहतर सुविधा के लिए, बच्चों को बेहतर इलाज के लिए लोगों को मोतिहारी जाना होता है, मुजफ्फरपुर जाना होता है। हालांकि अगर रेयर केसेस में पटना का भी लोग रुख करते हैं लेकिन ये ऑलरेडी मुजफ्फरपुर में सेवा दे चुके हैं तो आपको मुजफ्फरपुर या मोतिहारी का रुख नहीं करना पड़ेगा। तमाम तरह की सुविधाएँ बच्चों से रिलेटेड क्या हो सकता है, डॉक्टर साहब से हम बात करेंगे कि ढाका की धरती पर, ढाका की सरजमीन पर जब इन्होंने फैसला किया है और यहाँ से उद्घाटन शुरू किया है तो क्या सुविधा रहेगा शिशु में, बच्चों में बात करेंगे। सबसे पहले तो बहुत मुबारकबाद, बहुत बधाई आपको। जी बहुत बहुत आपका भी मुबारक। इस टीवी देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। डॉक्टर साहब पहला सवाल ये होगा कि कई सारे हॉस्पिटल ढाका में बच्चों से रिलेटेड हैं भी और जिस तरीके से बीमारियां दस्तक दे रहा है, आप लोग का कहीं ना कहीं अहम रोल होता है बीमारियों से लड़ने का, बच्चों को बचाने का, तो बेसिक सुविधा की बात अगर की जाए तो क्या क्या सुविधा लेकर के आए हैं आप इस हॉस्पिटल? देखिए बेसिक सुविधा हम ये लेके आए हैं कि सबसे पहले जब हम मुजफ्फरपुर में थे तो बहुत सारी चीज़ें हम नोटिस किए कि इनिशियली स्टेज में जब बच्चा जन्म लेता है वो इम्पोर्टेंट स्टेज होता है और वैसे स्टेज में मुजफ्फरपुर में होने के नाते हम देखे वैशाली से, सीतामढ़ी से, मोतिहारी से, बेतिया से बच्चे गए और जो बीच में टाइमिंग का गैप होता है उस पीरियड में बच्चा का कंडीशन बहुत क्रिटिकल हो जाता है। तो हम यहीं के लोकल हैं रहने वाले, इस वजह से मैं प्लानिंग किया कि इधर ही शिफ्ट हो जाए। और जो बच्चे जन्म के समय बच्चे नहीं रोते वैसे बच्चों के मोर्टैलिटी रेट, मोर्टैलिटी मतलब होता है डेथ ऑफ रेट, ठीक है, बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि वो उस समय बच्चा का जन्म के समय क्राई करना बहुत ज़रूरी होता है और वैसे बच्चों को डॉक्टर के द्वारा रिसस्टेट करना पड़ता है और एक सही जगह पर पहुँचाने की ज़रूरत होती है। तो हमने काफ़ी अनुभव किया है कि क्यों ना हम अपने एरिया में, काफ़ी इधर के लोग भी जा रहे थे तो अपना एरिया अपने लोग है तो इधर हम रुक किए कि यहाँ के लोगों को सुविधा दे। फिलहाल हमारे पास OPD, IPD, NICU की सुविधा है, बच्चों से रिलेटेड हर तरह की जांच की सुविधा है, इलाज की सुविधा है। डॉक्टर साहब बच्चों में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा को चमकी के बुखार के नाम से लोग जानते हैं
इस स्थिति में क्या देखभाल हो सकता है और इसके लिए क्या ट्रीटमेंट बेहतर होता है? जी, चमकी बुखार की जहाँ तक आपने बात की है, चमकी बुखार बड़े बच्चों में होता है और एक चमकी होता है जिसको हम लोग HIE के नाम से जानते हैं, जो प्री टर्म नियोनेटल बच्चों में होते हैं, टर्म और प्री टर्म दोनों बच्चों में होते हैं। इसमें क्या होता है, हाइपोक्सिक इस्केमिक इंसेफलोपैथी है, एक बीमारी है जिसमें बच्चे जन्म के समय क्राई नहीं करते हैं, और जब बच्चे क्राई नहीं करते तो उसके ब्रेन के एक एक सेल तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचने के कारण बच्चे अपंग हो जाते हैं आगे चल के। तो वैसे बच्चों में जो सीजर आते हैं वो नियोनेटल सीजर में ये हो जाते हैं, और जो बड़े बच्चे हैं हाई ग्रेड फीवर के कारण उसमें फीब्राइल कन्वर्जन आते हैं। उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, उसको तुरंत कैसे स्टेबल करना है, उसमें देन एंड देयर काम होता है। अगर प्रोलॉन्ग सीजर अगर आ रहा है किसी पेशेंट को, किसी बच्चों को, तो जितना देर सीजर आएगा उतना देर उनका ब्रेन डैमेज होगा। तो इसलिए इस सारी चीज़ों में बच्चों में टाइमिंग इम्पोर्टेंट होता है। तो हमने सोचा कि 24/7 यहीं रह के सेवा दें। जब हम यहाँ 24/7 रखेंगे तो ढाका के पेशेंट में, ढाका के बच्चों में हेल्थ को लेकर जागरूकता बढ़ाएंगे, और हेल्थ को लेकर बच्चों में जो मोर्टालिटी रेट है ढाका का या फिर मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट का, उसको हम भी एक बेहतर प्रयास करेंगे। हमारे यहाँ पे बहुत सारे सीनियर डॉक्टर्स भी आए हैं, बहुत सारे सीनियर डॉक्टर आशीर्वाद दिए, जो यहाँ के पीडियाट्रिक्स भी रहे हैं, मुजफ्फरपुर के भी हमारे कुछ सीनियर डॉक्टर्स आए, मोतिहारी के डॉक्टर्स आए, सब लोगों के साथ हम लोग काम कर चुके हैं। मुजफ्फरपुर में लगभग हम 4.5 साल काम किए हैं, कई हॉस्पिटल में काम किए हैं। मुजफ्फरपुर के जूरन छपड़ा एपेक्स हॉस्पिटल है, एपेक्स चिल्ड्रेन हॉस्पिटल, वहाँ वेंटिलेटर की सुविधा पे मैंने काम किया है। उत्तर बिहार का सबसे टॉप वेंटिलेटर होता है SLE 6000, उस पर मैंने कई बच्चों को बचाया है। तो एक बेहतर प्रयास की तरफ मेरा कदम है। डॉक्टर साहब, एक लोगों का शिकायत भी होता है कि बच्चा अगर पैदा होते ही शीशा में रखने का जिस तरीके से डॉक्टर लोग सलाह देते या प्रचलन बढ़ गया है, तो नवजात जो बच्चे होते हैं, बॉर्न बेबी जो होता है, तो क्या सभी को शीशा में रखने की नौबत आती है या किसी खास वजह से उसको शीशा में रखा जाता है? जी, जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उसके बॉडी में एक केमिकल लगा होता है, एक लिक्विड होता है, तरल पदार्थ होता है, ठीक है, वर्निक्स, ठीक है। वो वर्निक्स जब बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आता है तो वो टेम्परेचर मेंटेन के लिए होता है। अगर वो बच्चा, अगर किसी का एनवायरनमेंट वैसा नहीं है, तो वो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए 1-2 घंटे के लिए, 3-4 घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए बच्चों को रखा जा सकता है। लेकिन ये जो बात निकल के आ रही है सामने कि बच्चे, हर बच्चे NICU में जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो बच्चे क्रिटिकल होते हैं, बहुत बच्चे एस्प्रेस्ट कट जाते हैं, जैसे मीकोनियम ले लेते हैं, वैसे बच्चों को इमरजेंसी में डाला जाता है कि म्यूकोनियम, अगर बच्चा कोई गंदा अगर चला गया है तो वैसे बच्चे किसी फीड को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, वैसे बच्चों को NICU में डाला जाता है। इनिशियली अगर किसी बच्चों को सीजर आ गया, अगर वो सीजर आ गया, बच्चे रिससिटेट किया गया बच्चा है या एपनिया कर रहा है बच्चा, वैसे बच्चों को NICU में शिफ्ट किया जाता है, ना कि सभी बच्चों को शिफ्ट किया जाता है। ये डॉक्टर मोहम्मद इकबाल हुसैन है, 6 साल का अनुभव रखते हैं, विशेष अनुभव लेकर के मुजफ्फरपुर की धरती से ढाका की धरती को चुना, यानी लोकलिटी को चुना है, और अपने लोगों को सेवा करने का ठाना है, और आज शुभारंभ किया अपेक्स चाइल्ड केयर का। अपेक्स चाइल्ड केयर बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, बहुत अच्छी जगह पे है, हर चीज़ यहाँ का अच्छा लगा हमको, हर सुविधा है जी। यहाँ बस अभी शुरुआत है, फिर उसके बाद इंशाल्लाह आते जाते रहेंगे, देखेंगे किस तरह का यहाँ इलाज हो रहा है। जिस तरह से बीमारियाँ बढ़ रही है उस तरह से बच्चे को हॉस्पिटल की बहुत ज़रूरत है, इंशाल्लाह अच्छा होगा। मैम, आप गायनी डॉक्टर है, स्त्री रोग विशेषज्ञ है, बच्चा जो इश्यू होगा आप यहाँ ट्रांसफर करेंगे क्या? जी इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे, मौका देंगे। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जो भी श्रोता बंधु जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, आपको और उन सभी महानुभाव को हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। बड़ी खुशी की बात है ढाका की इस पावन धरती पर एपेक्स चाइल्ड केयर सेंटर, जो पचपकड़ी रोड में हीरो एजेंसी के सामने डॉक्टर मोहम्मद इकबाल हसन साहब जी के द्वारा यहाँ सेवा देने का आज शुभ उद्घाटन हुआ। उनको तहे दिल से मेरे अपने भाई को हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं कि फले फूले और आगे बढ़े। मेरा नाम डॉक्टर आर के प्रसाद, आजाद चौक ढाका मेरा क्लिनिक है। आज हम लोग यहाँ पे एपेक्स चाइल्ड केयर हीरो होंडा एजेंसी के सामने भव्य उद्घाटन हुआ है, और तो हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हम लोग शुभकामना है कि
दिन दुगुना रात चौगुना बढ़े और लोग यहाँ का आके इस संस्था का लाभ ले। मैं डॉक्टर तनवीर हसन, बैरगिनिया काली मंदिर, आज अपेक्स चाइल्ड केयर हॉस्पिटल इकबाल हुसैन के द्वारा किया गया है और गरीबों और यतीमों और मजबूरों की सेवा करेंगे सबसे अच्छा है। MD कमरे आलम, पूर्व पंचायत समिति गुरनौ पंचायत, अपेक्स चाइल्ड केयर सेंटर के उद्घाटन में हम लोग आए हैं। डॉक्टर साहब का तजर्बा भी बेहतरीन है, उनको जानते हैं, मुजफ्फरपुर बहुत दिन काम किए हुए, उम्मीद रखते हैं कि यहाँ भी सेवा जो है बेहतरीन देंगे। मेरा नाम नाजिर हुसैन हुआ, कि अपेक्स चाइल्ड केयर का आज भव्य उद्घाटन हुआ है। ढाका के लोगों को अच्छे से सेवा देंगे, लोगों का सुविधा बढ़ेगा, आएंगे पेशेंट लोग ठीक होकर जाएंगे, अच्छे सुविधा मिलेगा यहाँ लोगों के लिए, अच्छी बात है। जो ढाका में सुविधा नहीं मिलता था वो मिल रहा है। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा डॉक्टर इकबाल हसन साहब को कि वो आए हैं ढाका में, उनका बहुत बहुत खैर मकदम है और दुआ है कि अल्लाह ताला उनको दस्ते शिफा अता फरमाए। देखिए, ये तो काफ़ी ज़रूरी चीज़ें हैं कि ढाका में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ अच्छे पीडिया के डॉक्टर्स की ज़रूरत है, क्योंकि आज के दिनों में तरह तरह की बीमारियां बच्चों में आम हैं, इसके लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर की काफ़ी ज़रूरत है। और ये बहुत खुशी है, इनॉग्रेशन हुआ अपेक्स चाइल्ड केयर का, तो ऐसे डॉक्टर्स हमारे ढाका के लिए काफ़ी बेहतर साबित होंगे और मुझे लगता है कि ढाका के नीडी लोगों का काफ़ी बेहतर तरीके से खिदमत करें। हमारा आशीर्वाद है डॉक्टर इकबाल हसन साहब को, और ये बहुत अच्छे एक्सपीरियंस लेकर आए हैं। बच्चे का अच्छा ट्रीटमेंट यहाँ पर होगा और आए एक बार सेवा का मौका दें। सबसे पहले आपके STV न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देंगे और हमारे छोटे भाई डॉक्टर इकबाल हुसैन जो यहाँ आए हैं और ढाका वासियों के लिए बेहतर पैगाम लेके आए हैं, और सारे लोग गरीब कमज़ोर असहाय जितने भी हैं सब लोग यहाँ आए और अपना अपना जो है ट्रीटमेंट यहाँ कराए, एक बार मौका अवश्य दें। ये वार्मर है, ये बच्चा को जितना टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, बच्चा के स्किन से सेंसर इसका चिपका होता है और बच्चा को प्रॉपर उतना टेम्परेचर ये मेंटेन करेगा। ये बच्चा को इन्फेक्शन होने से बचाता है। इसको हम लोग सभी डॉक्टर और स्टाफ हाइजीन मेंटेन करके यहाँ पे काम करते हैं। और ये मॉनिटर है बच्चों का, पल्स ऑक्सीमीटर कितना है, सेचुरेशन कितना है, बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल क्या है, हार्ट रेट क्या है, यहाँ से हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं। और ये मशीन है फोटोथेरेपी। नियोनेटल बच्चों में क्या होता है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो मैक्सिमम बच्चों में कुछ रीजन से, ठीक है, जैसे ब्लड इनकैपेबिलिटी वगैरह हो गया, ठीक है, उस कारण से बच्चों में जॉन्डिस की शिकायत आ जाती है, तो वैसे बच्चों में इससे हम लोग फोटोथेरेपी करते हैं। इस मशीन को फोटोथेरेपी बोलते हैं। इसी लाइट से नियोनेट बच्चे का जॉन्डिस ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो जो जॉन्डिस होता है बच्चों में और बड़ों के जॉन्डिस में दोनों में फ़र्क होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो माँ से वो अलग हो जाता है, तो जो भी ब्लड उसके बॉडी में है वो ब्लड अपना सेल्फ बनाने लगता है, HbA बनाने लगता है। माँ से जो ब्लड आता है वो HbF होता है, हीमोग्लोबिन फीटस होता है। तो जब HbA बनाता है उस कंडीशन में HbF टूटता है, उस कंडीशन में ब्लड टूटने से बच्चों को जॉन्डिस आता है और उस जॉन्डिस का इलाज हम लोग इस मशीन से करते हैं जिसका नाम है फोटोथेरेपी।